Hello friends. So in this particular lecture of aptitude, basically we will be going to discuss about probability. ठीक है, तो इसमें हम आपका probability के बारे में पढ़ेंगे, permutations क्या होती हैं, combinations क्या होती हैं. ठीक है, तो ये सारे concepts जो हैं हम आपके probability के basically अंदर आपके सब concepts को हम पढ़ेंगे. So basically what is probability? ठीक है ना, तो बेसिकली जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि बेसिकली जो हम बेसिकली डिजायर कर रहे हैं या जो भी बेसिकली हम ए पर्टिकुलर इवेंट जो हम बेसिकली चाहते हैं कि वो हो. ठीक है, जो हमारा डिजायर्ड है कि वी वांट कि दिस पर्टिकुलर इवेंट विल हैपन. ठीक है, तो जो हमारा डिजायर्ड है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स. ठीक है ना, पॉसिबल इवेंट्स. ठीक है, तो जैसे सबसे बेसिक हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम किसी कॉइन को टॉस करें तो बेसिकली क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आने की या टेल आने की. ठीक है, तो जैसे हमने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए हेड, तो सिंपली हम क्या कहते हैं क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि हेड आए और पॉसिबिलिटी नीचे दो हैं, ये हेड या टेल. ठीक है ना, ऐसे टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है आपकी, 1/2. ठीक है, अब देखो इसमें बेसिकली हमने पढ़ना क्या क्या आपका, क्योंकि पहले थोड़े से बेसिक फॉर्मूलेस देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे और उसके बाद फिर बेसिकली हम आपके क्वेश्चंस को करेंगे. ठीक है, एक तो जैसे बेसिकली हमने इसमें आपका परम्यूटेशंस का कंसेप्ट पढ़ना है कि परम्यूटेशंस क्या होती हैं. ठीक है ना, वन वी हैव कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन कि कॉम्बिनेशन आपका क्या होता है. ठीक है ना, कॉम्बिनेशंस क्या क्या बेसिकली कौन सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालने के लिए. ठीक है, इसके अलावा जैसे हमारे पास बेसिकली कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के. जैसे बेसिकली हमें तो दो बेसिक रूल्स ही जनरली हमारे एग्जाम्स में आते हैं, वन इज एडिशन रूल एंड वन इज योर मल्टीप्लीकेशन रूल. ठीक है, एक एडिशन रूल के बारे में पढ़ेंगे और एक आपका मल्टीप्लीकेशन रूल. ठीक है, तो ये सब बेसिकली हमने आपका इसमें पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं कि परम्यूटेशंस क्या होती हैं, कॉम्बिनेशंस क्या होती हैं. ठीक है, कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है, फिर हम एडिशन रूल और सब्ट्रैक्शन सॉरी दिस मल्टीप्लिकेशन रूल की बात करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम आपका देखते हैं परम्यूटेशंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इसके बारे में. सो बेसिकली इन दोनों टर्म्स कि जो हम बात कर रहे हैं, एक परम्यूटेशन और एक कॉम्बिनेशन, तो ये दोनों टर्म्स में क्या आपका डिफरेंस होता है. ठीक है, एक तो जैसे सबसे पहले हमें फैक्टोरियल पता होना चाहिए, जैसे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है. ठीक है ना, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फैक्टोरियल. देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर मैंने लिखा एन फैक्टोरियल. ठीक है ना, तो एन फैक्टोरियल क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन. ठीक है, जो जीरो का फैक्टोरियल होता है वो आपका वन होता है. ठीक है ना, क्योंकि जब भी आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस निकालने हैं तो आपको फैक्टोरियल निकालना आना चाहिए. ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि फाइव फैक्टोरियल क्या हुआ. ठीक है, तो फाइव फैक्टोरियल इज सिंपली फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन. ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, इट कम्स आउट टू बी 120. ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लो आपको कहा गया सिक्स फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, सो इट इज सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन. ठीक है, बेसिकली अब इसमें सिंपली क्या ना, जैसे अगर आपको फाइव फैक्टोरियल पता है, ठीक है, तो क्योंकि ये वैल्यू फाइव फैक्टोरियल ही है, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन. ठीक है, सिंपली आप सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल भी लिख सकते हो. ठीक है ना, फाइव फैक्टोरियल हमने कितना लिखा, 120. सो सिक्स इंटू 120 इट कम्स आउट टू बी 720. ठीक है, ये कितना आ गया आपका, 720. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर अभी जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूलेस लिखेंगे तो आपको बेसिकली आपको जो भी मतलब फैक्टोरियल कैलकुलेट करना आना चाहिए. ठीक है, अब जैसे हम जनरल सी बात करते हैं, ठीक है, जैसे परम्यूटेशंस क्या होती हैं. ठीक है ना, तो फॉर्मूला तो सिंपल सही है, जैसे हम लिखते हैं जैसे n टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं. ठीक है,
और आप उसमें से आर सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे जितने भी आपके पास नंबर ऑफ जो भी आइटम्स गिवन है, तो आपने उसमें से आर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा 6p2, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 6p2, तो एन कितना है मेरा 6, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर क्या होगा आपका, दैट इज 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, तो 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया आपका 30, ठीक है। देखो परम्यूटेशन बेसिकली होती क्या है, जैसे हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्बिनेशंस, ठीक है। मेनली हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो क्या होता है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो ए और आपके पास बी, ठीक है ना। हमने जैसे कहा कि ये दो अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास दो अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। तो जैसे बेसिकली क्या होता है ना, जैसे अब इसमें हम इसे अगर हम ऑर्डर देखें, जैसे मान लो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी, और इट कैन बी रिटन एज बी ए, ठीक है। तो जो परम्यूटेशंस होती है ना, उसमें ऑर्डर मैटर करता है। परम्यूटेशंस के अंदर क्या मैटर करता है, ऑर्डर। मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब ए बी अलग चीज है, बी ए अलग चीज है, अगर हम परम्यूटेशन में कहते हैं। लेकिन जो कॉम्बिनेशंस होती हैं, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है ना। देखो आपके पास आइटम तो दो ही हैं, या जो भी अल्फाबेट्स हैं, अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, ठीक है, कि ए और बी मेरे पास दो हैं, ठीक है, दो अल्फाबेट्स हैं, आप जो भी इनको यू कैन कंसिडर, जो भी हमें गिवन है। तो ए बी और बी ए, ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ परम्यूटेशंस दे आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। ए बी अलग चीज है, बी ए अलग चीज है, कब, जब हम परम्यूटेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। पर इन केस ऑफ परम्यूटेशन ऑर्डर मैटर्स, ठीक है, इन केस ऑफ परम्यूटेशन ऑर्डर मैटर्स, कि जो ऑर्डर है वो आपका मैटर करता है, ठीक है। लेकिन जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, तो वहां पर आपका ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। हाँ, ये फैक्टोरियल ही होता है ना, जैसे अभी आपको फैक्टोरियल मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब भी आपको परम्यूटेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे जैसे अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना, तो कॉम्बिनेशंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो थोड़ा सा बस इससे डिफरेंट है आपका, ठीक है। दैट इज एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। मैं वही एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने वहां पे लिया था 6p2, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 6c2, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 5, ठीक है, इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 × 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया आपके पास 15, ठीक है ना। देखो सेम चीज हमने ली, सेम हमने वहां पर भी 6 में से 2 सेलेक्ट करने थे, वहां पर आंसर मेरा आया था 30, ठीक है, वहां पर मेरा आंसर क्या आया था 30, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर भी मैटर कर रहा है, कि जो भी आप 6 में से 2 आइटम सेलेक्ट कर रहे हो, या दो जो अल्फाबेट सेलेक्ट कर रहे हो, या जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो वो वहां पर ऑर्डर भी मैटर करता है, ठीक है ना। बट फॉर द सेम बेसिकली, जैसे मैंने दूसरा आपको क्या बताया, 6 दैट इज C2, वहां पर फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना आया मेरा 15, ठीक है। देखो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपको बेटर आइडिया होगा कि कहाँ पर हमें इन चीजों को अप्लाई करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ये चीजें लगती हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको जैसे एक दो टाइप के पहले क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर उसके बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले तो मैंने आपको बताया, तो फॉर्मूले तो कुछ बेसिक से हैं जो हम डिस्कस करेंगे, बट क्वेश्चंस जो बेसिकली आते हैं वो हमें देखने हैं, ठीक है। सो अब इसके अंदर
ये तो चलो हमने बेसिक सा पढ़ लिया कि एन पी आर क्या होता है और एन सी आर, ठीक है। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी के अंदर दो रूल चलते हैं, ठीक है ना, एक होता है एडिशन रूल, ठीक है, और एक होता है आपका मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है। तो उन दोनों रूल्स को भी अभी देखेंगे हम, ठीक है, कि एडिशन रूल क्या होता है और आपका मल्टीप्लीकेशन रूल क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली सिंपली तो अगर जो हम एडिशन रूल लिखते हैं, ठीक है ना, सिंपली अगर हम एडिशन रूल का क्या मतलब होता है, जो बिल्कुल हम बेसिक लिखें, दैट इज पी ए यूनियन बी, ठीक है, या इसे हम ए और बी कहते हैं, कि या ए हो या बी हो, दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास रूल होता है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल, दैट इज ए एंड बी, पी ए एंड बी, ठीक है, इसके लिए इंटरसेक्शन ये सिंबल होता है, ए एंड बी, दैट इज बेसिकली इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। तो एडिशन रूल, आई वॉन्ट दिस और दिस, ठीक है ना, ये जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है ना, तो हमें ये खुद से, जब खुद से मतलब पूछना होता है, आई वॉन्ट दिस और दिस, तो उस केस में आपका एडिशन रूल लगता है, ठीक है। बट इफ आई वॉन्ट दिस एंड दिस, ठीक है ना, इसमें भी बेसिकली अभी हम टाइप्स भी पढ़ेंगे, ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन रूल कब लगता है, व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, कि जब इवेंट्स जो है वो आपके कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो वहां पे इंडिपेंडेंट का मतलब एक इवेंट का दूसरे इवेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वहां पर हम कौन सा रूल आपका अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है। सो मतलब इस टाइप के, क्योंकि फॉर्मूले तो मैंने आपको बताया ना कि थोड़े से फॉर्मूले हैं, बट बेसिकली इसकी एप्लीकेशन, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को या इन सभी कंसेप्ट को हमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। जैसे जनरली चलो मैं एक क्वेश्चन हम करते हैं पहले, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, लिखिए आप इस क्वेश्चन को, सो इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज एक कमेटी ऑफ फाइव मेंबर्स, ए कमेटी ऑफ फाइव मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड, कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम सिक्स मैन एंड फाइव लेडीज, सिक्स मैन एंड फाइव लेडीज कोमा कंसिस्टिंग ऑफ थ्री मैन एंड टू लेडीज। ये क्वेश्चन उसने मुझे क्या दिया है, इन हाउ मेनी वेज एक कमेटी ऑफ फाइव मेंबर्स, ठीक है, कितने मतलब ऐसे वेज हैं जिसमें आप पांच मेंबर की आपने कमेटी बनानी है, ठीक है। फाइव मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम सिक्स मैन एंड फाइव लेडीज कंसिस्टिंग ऑफ थ्री मैन एंड टू लेडीज, ठीक है। तो हमें यहां पर वेज बताने हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूं, जैसे आप देखो ना, हमें हमारी रिक्वायरमेंट, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें उसी हिसाब से चलना है, ठीक है। अब टोटल मैन कितने हैं, सिक्स, और हमें कितने चाहिए, थ्री, ठीक है ना, क्योंकि आउट ऑफ सिक्स हमें थ्री मैन चाहिए, और आउट ऑफ फाइव लेडीज उसमें से दो लेडीज, ठीक है। तो मतलब फाइव मेंबर्स की कमेटी बनाने के लिए ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब सिक्स में से थ्री मैन सिलेक्ट हो, उसके हमें कॉम्बिनेशंस निकालने हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर वगैरह तो कुछ है नहीं, कि यहाँ पर ऐसे तो क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं हुआ कि
पहले ये सिलेक्ट हो या ऐसा कुछ सिलेक्ट हो, तो सिंपली यहां पर हमें कॉम्बिनेशंस निकालने हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ 6 मैन 3 मैन जो सिलेक्ट हो उसके कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, 6C3। देखो ना क्वेश्चन क्या है, हमें देखो ये नहीं बता रहा था कि मतलब कौन से मैन सिलेक्ट होने, ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखो ना, आपके पास टोटल 6 मैन है। अब 6 में से 3, ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने आपको कह दिया, उन 6 मैन को हमने जनरली नेम दे दिया, किसी का नाम ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है, एक एफ है। तो अब इसमें से 3 कोई भी हो सकते हैं ना, ए बी सी भी हो सकता है, ए सी डी भी हो सकता है, ए डी ई भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन 6 में से 3 मैन के कॉम्बिनेशंस टोटल कितने बनेंगे, ठीक है, और ऐसे ही लेडीज में तो 5C2, ठीक है ना। अब 6 में से जो 3 मैन है उनके सिलेक्शन का 5 में से 2 लेडीज के सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट लिंक्ड। तो जब ऐसा, जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना, देखो मैन में से 6 में से आपने 3 मैन सिलेक्ट करने हैं और 5 लेडीज में से आपने 2 लेडीज सिलेक्ट करनी है, तो इसमें कोई आपस में देर इज नो बेसिकली डिपेंडेंसी। तो ये इवेंट्स क्या, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो सिंपली आपको यहां पर क्या लगाना है, मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है। तो जैसे अगर हम 6C3 अब कैलकुलेट करें तो 6C3 क्या आएगा, अब आपको फॉर्मूला पता ही है कि 6 फैक्टोरियल बाय, क्योंकि एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, अगेन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको आप चाहे सॉल्व कर लो, 6 × 5 × 4, ठीक है, 1 3 फैक्टोरियल से हम 3 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देंगे और नीचे आ गया 3 × 2 × 1, दैट इज 6, ठीक है। ऐसे यहां पर 5 × 4 बाय इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 से हम 3 को कैंसिल कर देंगे और 2 फैक्टोरियल कितना होगा आपका, 2 × 1, ठीक है। तो ये 6 गया, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 20, तो इधर से 20 आ गया इंटू, यहां से ये गया एंड 2 × 2 = 4, 5 × 2 क्या आ गया आपका, 10। तो कितने वेज आ गए आपके पास, 200 वेज, ठीक है। इन 200 वेज यू कैन सेलेक्ट, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा ना हमें बेसिकली मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़ा सा ना हमें चीजों को समझना है, ठीक है ना। वो जब आप क्वेश्चंस करोगे, जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपको तभी समझ आएंगे, ठीक है, कहाँ पर हमें कॉम्बिनेशंस लगाने हैं या प्रोबेबिलिटी के अलग अलग कंसेप्ट हमें कैसे लगाने हैं, तो वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है। तो अगर मुझे पहले तो फॉर्मूले याद रखने हैं कि परम्यूटेशन का क्या फॉर्मूला होता है, कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर, क्योंकि यहां पर ऑर्डर नहीं मैटर करता, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको फर्स्ट चीज ही बताई कि परम्यूटेशंस में ऑर्डर मैटर करते हैं, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर नहीं मैटर करते, तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर तो है नहीं कि आपने इसको सिलेक्ट करना है तो उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है, तो सिंपली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपने कॉम्बिनेशन से निकालने होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक आधा क्वेश्चन जैसे हम प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड करते हैं, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है इनको हम प्रोबेबिलिटी में कहां पर लगाएंगे, ठीक है। तो उसको देखते हैं अभी आपका, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक बैग है, उस बैग के अंदर 6 व्हाइट और 4 रेड बॉल्स हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, 6 व्हाइट एंड 4 रेड बॉल्स, ठीक है। तो 3 बॉल्स आर ड्रोन एट रैंडम, कि 3 बॉल्स आपने रैंडमली मतलब उस बैग में से आपने निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल इज रेड एंड अदर 2 आर व्हाइट, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनिए, इसमें आपने क्या करना है, देखो सिंपल सा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि प्रोबेबिलिटी इज समथिंग जो हम डिजायर कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना, कि जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एक पर्टिकुलर इवेंट की, जो हम डिजायर कर रहे हैं बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो फर्स्ट, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले देखो ना आपके पास टोटल बॉल्स कितनी है, 10, ठीक है, और उसमें से आपने बॉल्स निकालनी कितनी है, 3। जैसे जो उसने कहा ना कि 1 रेड आनी चाहिए और 2 अदर 2 आर व्हाइट, ठीक है, कि जो बाकी 2 हैं वो कैसे आनी चाहिए, व्हाइट, ठीक है।
10 में से आपको 3 बॉल्स निकालनी है, तो पहले आप टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालो कि 10 में से 3 बॉल्स के कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे. सो दैट इज 10 सी थ्री. सो 10 सी थ्री विल बी इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये क्या आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल कितना हो गया आपका, 6 इंटू 7 फैक्टोरियल. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, जैसे 3 टू जाएगा 3 कितने आ रहे हैं टोटल, 10 सी 3, 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू, वन तो ये हमारे पास टोटल कितने आ रहे हैं, ट्वेंटी ये आ जाएगा 120, ये 4 होगा, 10 इंटू 3 इंटू 4 दिस इज 120. ठीक है ना, अब देखो जो हमारा डिजायर्ड है, हमारा डिजायर्ड क्या है बेसिकली, अब वही कॉम्बिनेशंस हैं. ठीक है, तो डिजायर्ड हमारा क्या है, हमें एक रेड चाहिए. ठीक है ना, तो टोटल रेड बॉल्स कितनी है, 4, तो मतलब 4 में से मुझे एक रेड चाहिए. ठीक है, इनटू 6 में से 2 क्या चाहिए, वाइट. ठीक है ना, ये वो है जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि देखो ना टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो 10 है. एक तो हमने टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकाल लिए कि 10 में से 3 बॉल वो चाहे, तीनों रेड आ रही हैं, तीनों व्हाइट आ रही हैं, दो रेड एक व्हाइट कुछ भी है, मतलब टोटल 120 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. ठीक है ना, मैं वही बता ना, इसको आप ऐसे नॉर्मली ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि ऐसे आप कॉम्बिनेशंस बनाने लगोगे तो फिर तो देखो कितना टाइम लग जाएगा. ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि थ्रू दिस फॉर्मूला वी कैन अप्लाई. ठीक है, सो ये तो 120 तो टोटल कॉम्बिनेशंस हैं. ठीक है, जो 10 में से 3 बोल के हैं. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना, हमने प्रोबेबिलिटी में दो चीजें हमें हमने निकालनी होती है, एक जो हम चाहते हैं उसको हमने टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं उससे डिवाइड करना है. तो पहले मैंने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकाल ली. ठीक है, अब ये चीज वो है जो मेरी डिजायर्ड है कि 4 बॉल मुझे पता है रेड है, उसमें से एक रेड मुझे चाहिए. ठीक है, और बेसिकली 6 व्हाइट में से मुझे 2 चाहिए. ठीक है, तो ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ऐसा देखो क्या ना, आप खुद इमेजिन करो, आपके पास एक बॉक्स है, बैग है, उसमें बॉल्स हैं, तो ये तो है नहीं ना कि एक बॉल आप निकालो तो दूसरी बॉल जो निकलेगी वो उस पर डिपेंडेंट होगी. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट थिंग, क्योंकि ये तो इट इज समथिंग रैंडम. आपने पहली बॉल निकाली वो रेड भी आ सकती है, व्हाइट भी आ सकती है, आपने दूसरी बॉल निकाली वो भी रेड या व्हाइट भी आ सकती है. ठीक है, तो ये मेरा डिजायर्ड है कि आउट ऑफ 4 बॉल्स एक आपकी क्या है, रेड, एक रेड आए एंड आउट ऑफ 6 दो आपकी वाइट आए. ठीक है, तो 4C1 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. ठीक है, इंटू 6 फैक्टोरियल बाय बेसिकली यूर 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 फैक्टोरियल हो गया 4 इंटू 3. ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये तो 4 ही आ जाएगा, और ये 6 इंटू 5 30, और फिर 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो बाय 2, सो इट कम्स आउट टू बी 15. तो ये आ रहे हैं 60 ऐसे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली डिजायर्ड कितने हैं, कॉम्बिनेशन 60, टोटल कितने पॉसिबल हैं, 120. तो क्या आंसर आ गया मेरा, 1/2. ठीक है, देखो इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला, क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी का है बट यहां पर हमें कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ रहे हैं. ठीक है ना, क्योंकि अदरवाइज आप सोचो ना, ऐसे तो आप कितने कॉम्बिनेशंस बनाओगे, ऐसे नहीं हमें, क्योंकि कॉम्बिनेशंस अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है ना, तो 10 में से 3 बॉल्स के कॉम्बिनेशन जो है वो कितने पॉसिबल हैं आपके, 120. ठीक है, कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं लेकिन हमें जो डिजायर्ड है वो हमने ऐसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमें ऐसे इसको यहाँ पर अप्लाई करना है. ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर ना,
क्योंकि इसमें बेसिकली आपको थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट के अंदर परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस को लगाना पड़ता है, ठीक है। सो जैसे एक आधा क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लिखिए क्वेश्चन और लिखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ए बैग कंटेन्स टू ग्रीन कोमा, ठीक है। इसको आप थ्री ग्रीन कर लो, थ्री ग्रीन कोमा टू रेड एंड टू ब्लू बॉल्स, टू ब्लू बॉल्स, टू बॉल्स आर ड्रोन एट रैंडम, टू बॉल्स आर ड्रोन एट रैंडम, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स ड्रोन इज ब्लू, ठीक है। वो क्या कह रहा है, एक बैग है उसके अंदर तीन ग्रीन, ठीक है, तीन आपके पास ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है, दो आपके पास रेड बॉल्स हैं और दो आपके पास ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। आपने कोई भी दो बॉल रैंडमली आपने उसमें से निकालनी है, ठीक है, तो आपने ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दैट नन ऑफ द बॉल्स ड्रोन इज ब्लू, ठीक है। तो ऑप्शन वन है इसमें आपके पास 10/21, ऑप्शन टू इज 11/21, ऑप्शन थ्री इज 2/7 एंड ऑप्शन फोर इज 5/7। करिए इस क्वेश्चन को, 2/7 एंड 5/7। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि तीन ग्रीन दो रेड और दो ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है, दो बॉल आपने रैंडमली उसमें से ड्रॉन करनी है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ब्लू, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था पहले भी, सबसे पहले आप मतलब टोटल बॉल्स कितने हैं मेरे पास, सेवन, सेवन में से आपको कितनी चाहिए, टू, ठीक है ना। पहले हम टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालेंगे, ठीक है, तो वो कितने बनेंगे, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। सो 7 × 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। सो 5 से 5 कैंसिल, 7 × 6/2 कितना आ जाएगा, 21, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है ना। देखो मैं आपको वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, पहले हमें टोटल पॉसिबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी, ठीक है ना। पहले हमें टोटल पॉसिबिलिटीज कि साथ में से कोई भी दो बॉल आए, ठीक है ना। बाद में हम इस बात पे आते हैं कि जो हमें चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जिस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है या जो हमारा डिजायर्ड है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि टू बॉल्स आर ड्रोन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स ड्रोन इज ब्लू, ठीक है ना। अब जैसे इसमें से ना दो ब्लू हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। बाकी कितनी बची, पांच, क्योंकि ब्लू तो आनी नहीं चाहिए, मतलब हमें 5C2 निकालना है कि पांच में से, क्योंकि ये तो उसने हमें कहा नहीं ना कि मतलब ग्रीन दो जो आए वो दोनों ग्रीन आए या दोनों रेड आए, एक ग्रीन या एक रेड आए, ठीक है। हमने सिर्फ दो ब्लू को एक्सक्लूड कर देना है कि
बाकी जो पांच हैं उसी में से दो आए तो उसके कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, ठीक है? सो दैट विल बी 5 factorial divided by 2 factorial into 3 factorial, ठीक है? सो 5 into 4 into 3 factorial divided by 2 factorial into 3, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास सर, 10, ठीक है? तो ये मेरे डिजायर्ड कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है? सो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 10/21, सो द राइट आंसर इज फर्स्ट, ठीक है? क्योंकि हमने दो ब्लू को एक्सक्लूड कर दिया ना, क्योंकि ब्लू तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो बेसिकली क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमने दो ब्लू को एक्सक्लूड कर दिया, तो बाकी पांच में से कोई भी दो आ जाए, ठीक है? तो उसके कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है? नो सर, ठीक है? सो व्हाट इज बेसिकली एडिशन रूल फॉर प्रोबेबिलिटी, ठीक है? अब यहां पर बेसिकली जैसे ना दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है ना? देखो जब भी एडिशन रूल की बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, इफ आई वांट दिस और दिस, ठीक है ना, दो दोनों चीजों में आपको फर्क जो है वो क्वेश्चन से ही पता लगेगा। आई वांट दिस और दिस का क्या मतलब है, आई वांट दिस एंड दिस का क्या मतलब है, ठीक है? सो एडिशन रूल फॉर प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो जैसे इसमें एक तो देखो सिंपल फॉर्मूला क्या बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन बी, जो मैंने आपको बताया यूनियन का मतलब और ही होता है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है? अब यहां पर उसने एक टर्म लिखी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है ना? अब देखो क्या होता है ना, म्यूचुअली मतलब जैसे हम कहते हैं म्यूचुअल एक साथ, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड करना कि दोनों इवेंट जो है वो एक साथ नहीं हो रहे, ठीक है ना? ये मैं आपको जो भी एक कंसेप्ट बताऊंगा वेन डायग्राम का, ठीक है? जैसे मान लो मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो एक हमने दिखाया ये है, ठीक है ना, ये एक तरह से ना वेन डायग्राम पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं, इट इज जस्ट ए सिंपल थिंग, ठीक है? वो अभी आप क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। तो जैसे मान लो मैंने ये बनाया, ठीक है ना, मान लो ये हमें क्या बता रहा है कि ये आपके एक्स इवेंट है, ठीक है, और ये है वाई, ठीक है, और ये जो चीज है, ठीक है, ये क्या है कि जो दोनों का कॉमन है, ठीक है ना, इसे आप क्या लिख सकते हो, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है? जैसे अब इसमें क्या है ना, जैसे ये क्या शो कर रहा है, दिस इज नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना? जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जैसे एक्स अलग से भी होता है, वाई अलग से भी होता है, और कुछ ऐसा पोर्शन है जिसमें एक्स और वाई एक साथ हैं, ठीक है? तो उसके इसमें क्या फॉर्मूला लगता है कि पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है ना? मतलब एक्स और वाई, मतलब जो वो वाला पोर्शन है एक्स और वाई, उसमें दोनों दोनों ही हो रहे हैं, ठीक है? अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो एक्स अलग है और वाई अलग है, मतलब एक्स और वाई का आपस में कोई लिंक ही नहीं है, एक्स अलग है वाई अलग है, तो जब ऐसा केस होता है तो उस केस में सीधा फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो इवेंट्स एक्स में है या जो वाई में है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं या वो क्लैश कर रहे हैं कि दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो उस केस में आपको बेसिकली मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हो ना एक्स एंड वाई, क्योंकि ये जो पोर्शन मैंने शो करा है मतलब ये एक्स एंड वाई है, मतलब इस वाले पोर्शन में एक्स और वाई दोनों है, ठीक है? तो और ये जो मैंने शो करा है दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है? वो भी आप क्वेश्चन करोगे वहां से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होगी, ठीक है? तो एडिशन रूल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि एक्स और वाई दोनों कभी एक साथ नहीं होते, ठीक है ना, दोनों अलग अलग ही हैं, ठीक है? लेकिन दूसरा डायग्राम जो मैंने शो करा है दिस इज ऑफ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है कि एक्स और जो वाई है वो एक साथ हो सकते हैं, ठीक है ना? जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम कहें कि जैसे मान लो मैंने एक टर्म यूज करी वॉर और एक मैंने कहा पीस, तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वॉर और पीस का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? वॉर है लड़ाई, पीस है शांति, तो इसको आप इन दोनों वर्ड्स को आप क्या मान के चल सकते हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है? तो लेकिन जो इवेंट्स नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है?
और ये वेन डायग्राम भी क्या होते हैं, जैसे एक आधा भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां से आपको क्लियर होगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन रूल, इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला तो पहले ही बताया कि जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, तब सीधा फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये वही चीज है, पी ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि जब इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट है, कि एक इवेंट का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कई बार ना डिपेंडेंसी होती है, जैसे मान लो एक इवेंट है, अगर एक इवेंट हो गया तो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे फिर फर्क पड़ता है, ठीक है, तो वहां पर क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बेसिकली ये जैसे एक लाइन बार है ए, इसका क्या मतलब है, ये तब हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड। ये भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि कई बार इवेंट्स डिपेंडेंट भी होते हैं, ठीक है ना, डिपेंडेंट इन द सेंस कि वो ए जो है, या जो बेसिकली जैसे एक इवेंट ए हो गया, लेकिन जो दूसरा इवेंट है अब उसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी अगर ए पहले हो चुका है, ठीक है, अगर तो नहीं हुआ है या बेसिकली उससे कोई लेना देना नहीं उसका, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो सिंपली वहां पर मल्टीप्लीकेशन रूल लगता है, ठीक है। देखो हमारे ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सिंपली फॉर्मूला लगेगा, इंडिपेंडेंट है तो आप दोनों इवेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, और जहां पर आई वॉन्ट दिस और दिस वहां पर आप एडिशन रूल आपका चलता है, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें पी ए एंड बी का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड, जो ए इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे एक एडिशन रूल होता है और एक आपका मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है। जैसे अभी देखो हमने पहले भी कॉम्बिनेशन आपके निकाले, तो जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट थे तो हमने कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो वहां पर भी इसलिए हमने आपका मल्टीप्लीकेशन रूल को अप्लाई किया है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या था ना, आई वॉन्ट दिस एंड दिस। जैसे मान लो आपको आपने कहा कि मतलब फोर में से मुझे एक रेड बॉल चाहिए एंड सिक्स में से मुझे दो व्हाइट चाहिए, आई वॉन्ट दिस एंड दिस, तभी यहां पर मल्टीप्लीकेशन हुई थी, ठीक है ना। आप खुद से ये क्वेश्चनिंग करोगे कि आई वॉन्ट इधर दिस और दिस, और या आई वॉन्ट दिस एंड दिस, ठीक है ना। देखो दोनों चीजों में फर्क है, जैसे जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें जैसे हमने इनको मल्टीप्लाई किया कि उसमें जैसे था ना कि फोर में से मुझे एक रेड बॉल चाहिए एंड आउट ऑफ सिक्स मुझे टू बॉल्स चाहिए, ठीक है, तो इसलिए एंड आया था यहाँ पर। ये तो नहीं करना और कि चार में से एक वाइट आ जाए और सिक्स में से दो रेड आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं हमने डिस्कस किया। तो जहां पर भी एंड आता है वहां पर हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल चलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें बेसिक ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे एक ना हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये जैसे मैं आपको वेन डायग्राम का ना थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन के थ्रू, कि उसमें क्वेश्चन क्या दिया है, एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, ठीक है, आप भी करिए साथ साथ इस क्वेश्चन को, इन ए क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स 3 फेल्ड इन हिस्ट्री, 6 फेल्ड इन ज्योग्राफी एंड 2 फेल्ड इन बोथ, हाउ मेनी पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, ठीक है, कि कितने दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ठीक है। देखो तो ये मैं आपको भी करके दिखाता हूं इस क्वेश्चन को, जैसे ये हम वेन डायग्राम से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये मैंने शो करा कि वो लोग हैं जो किस में फेल हुए हैं आपके हिस्ट्री में, तो वो नंबर टोटल कितना है, 3, ठीक है। फिर उसने कहा कि जैसे अब ऑब्वियसली कुछ ऐसे भी हैं जो हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है, उसका नंबर कितना है, बेसिकली 2, और जो ज्योग्राफी में फेल हुए हैं वो है 6, ठीक है। अब आप देखो मतलब ये कौन से वाले हैं, हिस्ट्री वाले, ठीक है, ये कौन से हैं, ज्योग्राफी वाले, और ये जो बीच में है ना ये मतलब बोथ वाले कितने आपके पास, 2, ठीक है। तो अगर आप ये पूरा सर्कल देखो, अगर पूरा सर्कल 3 है और ये पोर्शन 2 है तो मतलब ये रह गया आपका 1, क्योंकि 1 + 2 = 3, ठीक है। और दूसरा जो हमने ये सर्कल बनाया है इसमें आपके ये पूरा जो बड़ा सर्कल हमने बनाया ज्योग्राफी वाला, इसमें 6 है, तो अगर ये 2 है तो ये कितने हो गए आपके, 4, ठीक है।
तो मतलब एक ऐसा है जो हिस्ट्री में फेल हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक। दो ऐसे हैं जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में फेल हुआ है, ठीक है। चार ऐसे हैं जो आपके ज्योग्राफी में फेल हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए? सेवन, ठीक है ना। तो एक हिस्ट्री में फेल हुआ है, दो हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों में फेल हुआ है, और चार ज्योग्राफी में। और उसने मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा, हाउ मैनी पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 10। और बेसिकली बाकी तो कोई एक सब्जेक्ट में हुआ है, कोई दो सब्जेक्ट में हुआ है। तो 10 माइनस 7, तो क्या आंसर आ गया मेरा? 3। ठीक है, क्या आंसर आ गया? 3। मतलब ये ना एक तरह से, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये मैथमेटिक्स में एक वेन डायग्राम होते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है ना, जैसे अब आपको क्या पता लग गया, कि हमें ये भी पता लग गया कि बेसिकली सिर्फ हिस्ट्री में कितने फेल हुए हैं, क्योंकि ना इसमें हमने, जैसे क्या होता है ना, ये तो यहाँ पर सिर्फ दो ही चीजें हैं, कई बार ऐसा हो सकता है तीन हो चार हो, फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है। बट हमारे लिए हमें बेसिक सा पता हो कि दो वाला या तीन वाला, वो भी अभी हम करेंगे बाद में। सो दो यहाँ पर मैंने बनाए, ठीक है। जैसे इसमें मैंने क्या शो किया है कि थ्री जो है वो कहाँ पर फेल हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि दोनों में फेल नहीं होते, फिर दोनों का डायग्राम अलग अलग होता, ठीक है ना। फिर तो वो इवेंट्स क्या हो गए आपके, अलग अलग ही हो गए। अब दोनों को मैंने इंटरसेक्ट इसलिए कराया क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो दोनों में फेल हुए थे, ठीक है ना। जैसे उसने लिखा थ्री हिस्ट्री में और आपके सिक्स ज्योग्राफी में, ठीक है ना। तो ये जो हमने फिर दोनों को इंटरसेक्ट कराया, तो ये दो थे, ठीक है ना। तो अगर ये पूरा सर्कल थ्री है, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपने बता दिया ये टू है, तो ये वन रह गया, ठीक है। और ये पूरा जो दूसरा मैंने सर्कल बनाया वो है सिक्स, तो अगर ये टू है तो ये फोर रह गए, ठीक है। तो इससे मुझे ये पता लग गया कि एक हिस्ट्री में फेल हुआ है, ठीक है ना, दो हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों में फेल हुआ है, और चार जो है वो सिर्फ ज्योग्राफी में फेल हुआ है, ठीक है। तो टोटल कितने आ गए आपके पास? सेवन। सेवन के आंसर आ गए आपके पास थ्री। ठीक है, बेसिकली क्या क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पर, स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल आर डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थ्री फ्रेंड्स गेट इनटू द सेम ग्रुप, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने चार ग्रुप बना दिए, ठीक है ना, दिस इज फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, दिस इज सेकंड ग्रुप, दिस इज थर्ड ग्रुप एंड दिस इज योर फोर्थ ग्रुप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। अब देखो, अब चार ग्रुप हैं, ठीक है ना, वो कह रहा है कि तीन फ्रेंड्स हैं वो सेम ग्रुप में हैं, ठीक है ना। तो कोई भी एक स्टूडेंट है, अब वो चारों में से किसी भी ग्रुप में आ सकता है, जैसे हमने कह दिया फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। तो इस ग्रुप में आने के चांसेस कितने हैं? 1/4, ठीक है ना। दूसरे फ्रेंड के भी कितने हैं? 1/4, और तीसरे फ्रेंड के भी कितने हैं? 1/4, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 1/64, ठीक है ना, कि 1/64 चांसेस हैं कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में आएंगे, ठीक है। वो फर्स्ट में आने के भी, फर्स्ट में भी आ सकते हैं, सेकंड में भी आ सकते हैं, थर्ड में भी आ सकते हैं, फोर्थ में भी आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसने ये नहीं मेंशन करा कि एक स्पेसिफिक ग्रुप में ही आए। अगर जैसे वो ना इन पर्टिकुलर बेसिकली ग्रुप्स को नंबर दे देता, या पूछता कि बताओ फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, ठीक है। अब क्या है, बेसिकली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, वो तीनों फ्रेंड्स फर्स्ट ग्रुप में भी आ सकते हैं, सेकंड में भी आ सकते हैं, थर्ड में भी आ सकते हैं, फोर्थ में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअली सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/64, ठीक है। बट बेसिकली यहां पर आई वॉन्ट दिस, ठीक है, ये भी चलेगा, और दिस, ये भी चलेगा, और दिस, और दिस, क्योंकि ऐसा तो उसने मेंशन नहीं करा ना कि एक स्पेसिफिक ग्रुप में आना चाहिए, ठीक है। चारों में से किसी भी ग्रुप में हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने 1/64 निकाल लिया तो वो इंडिविजुअल ग्रुप्स की निकाल लिया, कि फर्स्ट ग्रुप में आने के भी चांसेस 1/64 हैं तीनों फ्रेंड्स के, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। बट चारों में से कोई भी केस चलेगा, तो जब भी जहां पर और होता है वहां पर क्या होता है आपका सम। सो 1/64 प्लस 1/64 प्लस 1/64 प्लस 1/64, ठीक है। तो इन जब इन सबको आप ऐड करोगे तो इट विल बी 4/64, ठीक है।
तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 1/16, कितना आ जाएगा आंसर आपका 1/16। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपका एक जॉब इंटरव्यू हुआ तो उसमें बेसिकली उसने क्या दिया आपको, 21 मेल एंड 17 फीमेल कैंडिडेट्स। सो कैंडिडेट्स आर कॉल्ड रैंडमली, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड टू एंश्योर दैट एटलीस्ट टू मेल्स, ठीक है, या तो दो मेल या दो फीमेल, दे हैव बिन इंटरव्यूड, ठीक है, टू मेल्स और टू फीमेल्स हैव बिन इंटरव्यूड। ठीक है ना, अब देखो क्या है ना, सिंपल सी बात है। अब मान लो पहला पर्सन जो बुलाया गया, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगी, ठीक है ना, यही होगा ना, पहला मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, मान लो दूसरे को बुलाया गया, उसमें भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ठीक है, या जैसे हमने माना कि पहला मेल है फिर दूसरी फीमेल है, ठीक है। तो मतलब आप ये देखो ना, अगर हम तीन पर्सन्स को बुला रहे हैं, ठीक है ना, तो बस उसमें दो मेल या दो फीमेल आ जाए, ठीक है ना, जैसे मान लो अगर पहला मेल है दूसरी फीमेल आ गई, ठीक है, और तीसरा मेल आ गया, तो दो मेल वाला, दो मेल आ गए, उसके लिए मेल कितने कैंडिडेट्स को बुलाना पड़ा मुझे, तीन, ठीक है ना। अगर मान लो पहली फीमेल है, चलो जी दूसरा मेल आ गया, ठीक है ना, अब तीसरी फीमेल भी आ सकती है या तीसरा मेल भी आ सकता है, ठीक है, तो मतलब तीन कैंडिडेट्स को हम बुलाएंगे तो तीन में से एटलीस्ट दो मेल या दो फीमेल आ जाएंगे, ठीक है ना। आप खुद ही बेसिक सा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जनरली आप सोचो ना, जैसे कैंडिडेट्स को बुलाया, पहला मेल आ गया, ठीक है, दूसरा बुलाया तो दूसरा भी मेल, तब तो वहीं पे क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। लेकिन पहला मेल आ गया दूसरी फीमेल आ गई, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, एटलीस्ट टू मेल्स और टू फीमेल, ठीक है ना, जैसे मान लो पहला मेल आ गया फिर फीमेल, अब तीसरा कैंडिडेट या मेल आएगा या फीमेल, अगर मेल आया तब भी दो हो गए, ठीक है, और अगर फीमेल आई तब भी दो हो गए, तो हमें यहाँ पर तीन कैंडिडेट्स को मिनिमम इंटरव्यू करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मान लो आपने अगर दो बुलाए तो एक मेल आ गया, मान लो एक फीमेल आ गई, या पहले फीमेल आ गई फिर मेल आ गया, तो उस केस में एटलीस्ट टू मेल्स और टू फीमेल्स आपके नहीं हुए, ठीक है। हाँ, तीन बुलाओगे तो ये बात पक्की है कि दो मेल या दो आपके फीमेल उसमें आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है।